Welcome to all my viewers, and today I'm back with a new topic, interaction of gene. इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स पढ़ने से पहले थोड़ा ये जानते हैं कि ब्रॉडली हम जेनेटिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ दिस स्टडी, जेनेटिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स: मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. अब इसमें देखिए अलग अलग क्या है. मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी जिस पार्ट में हम मेंडल के नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है और मेंडल का नियम क्या क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं और जो मेंडल के लॉस को फॉलो करते हैं वो सारा पार्ट आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स में. जबकि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में वो पार्ट है जहां बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मेंडल के लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, यानी दोज इनहेरिटेंस पैटर्न व्हिच डज नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न और मेंडेलियन रेशियो, देन दीज केसेस आर कॉल्ड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स. दीज केसेस आर स्टडीड अंडर नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स. उसके बाद है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या स्टडी किया जाता है और इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं. तो ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें आप देखते रहिए, ये आगे आपको बताते रहेंगे. तो टुडे वी आर कंसर्न्ड विद नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड वी विल स्टडी इंटरेक्शन ऑफ जीन्स. सो लेट्स स्टार्ट इंटरेक्शन ऑफ जीन्स. एज द नेम सजेस्ट, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स यानी जीन्स के बीच में होने वाला इंटरेक्शन. ये जो जीन्स है जो किसी भी फिनोटिपिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं. मेंडल ने माना था कि जो भी करेक्टर्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट एक एक जीन से प्रभावित होते हैं, यानी वन एक्सप्रेशन इज गवर्न्ड बाय वन जीन. जैसे आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज जीन ए एंड दिस इज जीन बी. तो ए का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सपोज 1 और बी का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन 2. तो ए और बी दोनों ही जीन का जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट मींस ये ए और बी दोनों ही जीन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, जैसा मेंडल ने बताया था. और इन दोनों के जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है इसीलिए उन दोनों पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है. इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, ए और बी एक दूसरे को किसी भी तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे. लेकिन बाद की स्टडीज में ये देखा गया कि जो बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है जो एक या दो जीन के इंटरेक्शन से बनते हैं और इसी को कहा गया इंटरेक्शन ऑफ जीन. तो पहली चीज तो यहां पर ये मेंशन करनी है कि ये मेंडेलियन रेशियोज को या मेंडेलियन रूल्स को फॉलो, इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते. दूसरी चीज, जो मेंडल का रेशियो था डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, वो रेशियो भी यहां पर आकर चेंज हो जाएगा, अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो जाएगा. तो डेफिनेशन क्या बनी इंटरेक्शन ऑफ जीन की? द फिनोमेना बाय विच द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन मे बी ऑल्टर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर जीन्स इज नोन एज जीन इंटरेक्शन. जीन इंटरेक्शन के कारण उसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है या और किसी तरह से मॉडिफाई भी हो सकता है. ये अलग अलग तरीके से चेंज हो सकता है. एंड दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेटसन और इन्हीं की वजह से इस थ्योरी को कहा गया बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस. तो जीन इंटरेक्शन मींस जीन का एक दूसरे पर प्रभाव डालना. जो जीन्स एक दूसरे के प्रभाव से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देते हैं वो इंटरेक्ट करके या तो एक नया फिनोटाइप बनाते हैं या नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ
gene interaction. Gene interaction may be of two types, intragenic and intergenic. Intragenic, as name indicates, within a gene. Intragenic यानी एक ही जीन के अंदर होने वाला इंटरेक्शन. एलील्स टर्म्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. डिफरेंट ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील्स. यानी एक ही जीन के जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स होती हैं वो एलील्स कहलाती हैं. जैसा मेंडल ने माना था कि दो फॉर्म्स पाई जाती हैं, डोमिनेंट और एक रिसेसिव. और डोमिनेंट रिसेसिव की बेस पर, जैसे कि आपने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा कि सपोज हाइट का एक जीन है जिसके दो अलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी जो डॉर्फनेस के लिए. जीन एक ही है हाइट. हाइट का जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स है. वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस. तो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक ही जीन की डिफरेंट अलील्स के बीच होने वाला इंटरेक्शन, देन दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इट मे बी कॉल्ड इंटर अलीलिक, यानी अलील्स के बीच, एक ही जीन के अलील्स के बीच होने वाला इंटरेक्शन. दूसरा है इंटरजेनिक इंटरेक्शन. इंटरजेनिक मींस दो डिफरेंट जीन्स के बीच होने वाला इंटरेक्शन. सपोज हमने दो कैरेक्टर्स को ले लिया, एक लिया हाइट के लिए और एक लिया सीड के शेप के लिए. दो कैरेक्टर्स हैं हाइट एंड शेप ऑफ द सीड. हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, शेप मे बी राउंड और मे बी रिंकल्ड. तो दीज आर टू डिफरेंट जीन्स, कैपिटल टी कैपिटल आर. दीज आर टू डिफरेंट जीन्स. दीज आर इंटर अलीलिक. दीज आर इंटर अलीलिक. लेकिन अगर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है या इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है तो इसको बोलेंगे नॉन अलीलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन. यानी दो डिफरेंट जीन के बीच में होने वाला इंटरेक्शन जिससे कोई भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाए या ऑल्टर हो जाए, तो उस तरह के इंटरेक्शन को कहा जाता है इंटरजेनिक या नॉन अलीलिक इंटरेक्शन. नॉन अलीलिक इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों आपस में अलील्स हैं एक ही जीन के, हाइट, ये दोनों अलील्स हैं एक ही जीन के, लेकिन दिस वन एंड दिस वन आर नॉट रिलेटेड. ये अलग अलग जीन्स के अलील्स हैं, इसीलिए ये कैसे हो गए नॉन अलीलिक. तो इस टाइप के इंटरेक्शन हो गए नॉन अलीलिक इंटरेक्शन और ये है इंटर अलीलिक इंटरेक्शन. इसके एग्जांपल्स में आप पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जबकि इंटरजेनिक इंटरेक्शन में स्टडी करेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, लीथल जीन एक्सेट्रा. यानी डिफरेंट मॉडिफाइड डायहाइब्रिड रेशियो आप पढ़ेंगे नॉन अलीलिक इंटरेक्शन में और इंटर अलीलिक में आप पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलीलिज्म. और अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं. इसके लिए आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस में एक एक रेशो के बारे में आपको बताते जाएंगे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस डोमिनेंस इज नॉट कंप्लीट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉरेंस
He crossed a plant of Mirabilis jalapa, which is also known as 4 o'clock plant. He crossed red flower of Mirabilis jalapa with white flower. He crossed red flowers of Mirabilis jalapa with white flowers. These are pure plants. This is pure for red and this is pure for white flower. When these two flowers were crossed, then in the F1 generation, unexpectedly, pink flowers were obtained. अगर ये मेंडेलियन रेशियो को फॉलो करते या मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते तो यहां पर जो F1 जनरेशन में फ्लावर्स का कलर था वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रेड होना चाहिए था. लेकिन यहां पर जो पिंक फ्लावर मिले इसका मतलब बोथ आर एक्सप्रेसिंग पार्शियली, यानी रेड कलर का जो अलील है और जो व्हाइट कलर का अलील है दोनों सेमी या पार्शियल मेथड से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वहां पर करेक्टर्स की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. तो जो पिंक फ्लावर है दिस इज ड्यू टू द ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स, रेड और व्हाइट दोनों ही करेक्टर्स की मिक्सिंग ब्लेंडिंग या पार्शियल एक्सप्रेशन हुआ है जिसकी वजह से F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिले. अब इसी को कंटिन्यू किया, जब F1 प्लांट्स के सेल्फिंग की गई तो सेल्फिंग के बाद जो हमें मोनोहाइब्रिड रेशियो मिलता था 3:1 वो रेशियो मिला 1:1, यानी 1 रेड फ्लावर 2 पिंक फ्लावर एंड 1 व्हाइट. दिस इज रेड, दिस इज व्हाइट and these two flowers were pink in color. So this is called incomplete dominance, क्योंकि dominance जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर follow नहीं हो रहा है, partial inheritance है या semi inheritance है, that's why it is called blending inheritance. Incomplete dominance is actually intermediate inheritance, क्योंकि red और white दोनों ही आपस में मिक्स होकर इंटरमीडिएट कलर बना रहे हैं, दैट इज पिंक. तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट टाइप का इनहेरिटेंस है जहां दोनों के एक्सप्रेशन से, दोनों के मिक्स होने से एक नया कलर बन गया है. नेक्स्ट इंट्राजेनिक इंटरेक्शन इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस यानी कि डोमिनेंट अलील्स या दो अलील्स का पूरी तरह से एक साथ एक्सप्रेस करना, यानी दो जीन्स है या दो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली दोनों ही फुली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है. जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कैटल्स में जो स्किन कलर है कोट कलर वो लिया गया स्किन कोट कलर व्हाइट एंड ब्लैक, यानी दो अलग अलग कलर के कोट कलर है स्किन कलर, ब्लैक स्किन कलर एंड व्हाइट स्किन कलर, व्हाइट कोट कलर. ये पेरेंट्स हो गए, दीज आर गैमेट्स. तो F1 जनरेशन में अगर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखें तो F1 जनरेशन में जो कैटल्स हैं इनका कोट कलर होना चाहिए ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट. लेकिन जो F1 जनरेशन के कैटल्स थे दे वर रॉन, दे वर हैविंग रॉन कोट कलर. रॉन मींस हैविंग ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस सेपरेटली, यानी ब्लैक पैचेस भी प्रेजेंट है और उतने ही लगभग व्हाइट पैचेस भी प्रेजेंट है, यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अलग हुआ, ना ही ये कंप्लीट डोमिनेंस है ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. क्योंकि अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो कलर होना चाहिए था ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज डोमिनेंट. अगर इनकम्प्लीट होता तो ब्लैक और व्हाइट कलर के मिक्स होने से कोई दूसरा शेड बनता. लेकिन यहां
केस है वो है व्हाइट एंड ब्लैक बोथ पैचेस आर प्रेजेंट. इट मींस बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेसिंग फुल्ली. उनके बीच कोई भी इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है. दोनों ही अपने आप को डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. दूसरा इसका अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप. एबीओ ब्लड ग्रुप में भी अगर ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों का क्रॉस किया जाता है तो जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी. यानी ए और बी में कोई भी डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं. दोनों ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बोथ अलील्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली. तो जहां पर अलील्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इनहेरिटेंस पैटर्न कहलाता है कोडोमिनेंस. तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसके आगे के जो वीडियोस है वो आप धीरे धीरे देखते जाइए. इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन और आगे इसको कंटिन्यू करिए. थैंक यू.